यस मिस्टर वाजपेयी, बताइए ये क्या, अब तो ट्रिब्यूनल आ गया है भाई, वहीं जाइए ना आप। में मेरे ख्याल से यहाँ 300-400 केस अभी पिछले, मतलब आपके यार पहले, क्या, तो अब तो ये स्थिति ये है कि मैंडेटरी प्रोविजन कंप्लाई करो आप, बस और कुछ मैंडेटरी नहीं है। प्रोविजन नहीं, वहां पे आ गया है ये तो आर्गुमेंट, आप वहां पे भी कर नहीं सकते हैं। ये पहले उस समय नहीं नहीं, कर, ट्रिब्यूनल था भी तब भी यही फाइल थे। क्यों? क्योंकि हाईकोर्ट का ये कहना है कि जहां मैंडेटरी प्रोविजंस है वहां कंप्लाई नहीं करो हाई क्या? कोर्ट का ऐसा कोई कहना नहीं है भाई, ये तो अब नहीं है। जहां पे ये है ना अगर सर, अभी ये 22 का 23 का रखे जजमेंट रही लो। है आप उसको जजमेंट को, अगर जहां पे अल्टरनेटिव रेमेडी है वहां तो हम नहीं नहीं करते पर इंटरटेन। अल्टरनेटिव रेमेडी वाली बात नहीं, यहां पर जो 3 इंग्रेडिएंट्स हैं, नेचुरल जस्टिस, विदाउट एनी प्रोसीजर, विदाउट एनी लॉ, वहीं पे तो करिए, इनको इनको खारिज करने के पहले हमको सुनवाई का अवसर तो नहीं देंगे। कर, हम नहीं करते, हम तो अल्टरनेटिव रेमेडी में किसी का भी नहीं करते, तो आपका नहीं भी नहीं सवाल करेंगे। तो नहीं है, यही हाईकोर्ट ने ये ऑर्डर सॉरी, किया है। अभी क्या ये होगा, लेटेस्ट का रखे ऑर्डर बता दे रहा हूँ, रखे रहिए ये उसको, इसके हमको बाद का देखने ऑर्डर के, अभी बता रहा हूँ। अल्टरनेटिव रेमेडी हम इंटरटेन नहीं करेंगे। नहीं सवाल अल्टरनेटिव रेमेडी वाली बात नहीं है सर, मैंडेटरी प्रोविजंस कंप्लाई करना है। वहीं पे जाके बताइए, वहां सालों लगेगा, कोई बात क्यों साल लगेगा, हम डायरेक्शन दे देते हैं, 3 महीने में डिसाइड करेंगे। सवाल वो नहीं है सर, सवाल ये मैंडेटरी प्रोविजन कंप्लाई करेंगे कि नहीं करेंगे। वो वहीं पे बताइएगा ना आप, उपस्थित थे और फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू बैठक बैठे कि उसमें उपस्थित थे कहां, ऑफिस में। मैं दो चीज बोल रहा हूं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का ला बता दो कहां पर ला है, और हियरिंग की अपॉर्चुनिटी कहां दी। एक्ट क्या बोल रहा है, एक लाइन पढ़ के बता दे रहा हूं एक्ट को। प्रोसीजर इन अप्लाइंग फॉर एंड ग्रांटिंग परमिट, एन एप्लीकेशन फॉर ए परमिट ऑफ एनी काइंड मे बी मेड एट एनी टाइम ए रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी और एनी प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी रिफर टू इन सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 66 शैल नॉट ऑर्डिनरी रिफ्यूज टू ग्रांट एन एप्लीकेशन फॉर परमिट ऑफ एनी काइंड मेड एट एनी टाइम अंडर दिस एक्ट, प्रोवाइडेड दैट रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी आर एनी प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी रिफर टू इन सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 66 में समरली रिफ्यूज द एप्लीकेशन इफ द ग्रांट ऑफ एनी परमिट इन अकॉर्डेंस विथ द एप्लीकेशन वुड हैव द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज द नंबर ऑफ स्टेज कैरेज एज फिक्स्ड एंड स्पेसिफाइड इन ए नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट अंडर क्लास ए ऑफ सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 71 आर ए कॉन्ट्रैक्ट कैरेज एज फिक्स्ड एज स्पेसिफाइड इन ए नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट अंडर ए ऑफ सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 74 प्रोवाइडेड फर्दर दैट वेयर ए रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी आर एनी प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी रिफर टू इन सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 66 रिफ्यूज एन एप्लीकेशन फॉर ग्रांट ऑफ ए परमिट ऑफ एनी काइंड अंडर दिस एक्ट इट सेल्फ गिव टू एप्लीकेंट इन राइटिंग इट्स रीजन फॉर द रिफ्यूजल ऑफ द सेम एंड अपॉर्चुनिटी ऑफ बींग हर्ड इन दिस मैटर। कौन से सेक्शन पढ़ रहे हैं आप, बता दें। ये सेक्शन 80 सबसेक्शन 2 का कंप्लायंस करना है इसे। 82 का, ठीक है, सीधे ऑर्डर्स। जी 89 अपील किस में है, 89 में, ठीक है, सीधे ऑर्डर्स। यस, मिस्टर शैलेंद्र बाजपेयी, मिस्टर सुमित्र केसरानी।